काफी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं जो कालिंका न्याजा स्थली। तो गाइज अभी आपको जो नीचे मार्केट दिख रहा होगा, तो हे गाइज कैसे हैं आप सब, होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम लोग राजू की बरात से सीधे हम जा रहे हैं, हमने प्लान बनाया क्योंकि सामने ही है, तो हम जा रहे हैं कालिंका के मंदिर। मैं और पंकज, सांस भी फूल रही है क्योंकि चढ़ाई है ना, इस वजह से। तो यहाँ से गाइज हो रहा है कालिंका देवी मंदिर का रास्ता शुरू, मतलब जो मेन है यहाँ से पक्का रास्ता, और दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है। और यहाँ पे अब भक्तजन मतलब आते रहते हैं, हर रोज ही कम से कम 400-500 लोगों की भीड़ लगी होती है। अभी 27 दिसंबर को यहाँ पे मेला भी है, और मेरी सांस भी फूल रही है क्योंकि बहुत चढ़ाई चढ़ के आए हैं। कम से कम कितना होगा रहा? 3 किलोमीटर तो चढ़ाई 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 2-2.5 किलोमीटर तो हो गई। तो चलिए अभी ऊपर मंदिर में जाते हैं और आपको कालिका मंदिर के दर्शन करवाते हैं। जय माता दी। तो गाइज अभी बहुत तेज धूप लगी हुई है और देखिए पसीने से बुरा हाल हो गया, मतलब हमारा वैसे अनप्लान था, ये पंकज तो आ भी नहीं रहा था साथी में, उन्होंने कहा चल ले। तो यहाँ आके हमने एकदम से प्लान बनाया क्योंकि यहाँ से कालिका माँ का मंदिर बहुत ही पास है। तो आप पीछे का सीन वगैरह देख रहे होंगे, पीछे हिमालय पर्वत दिख रहा है लास्ट में। और यहाँ से मैं अभी आपको कालिका माँ के मेन गेट के दर्शन करवा के सीधे मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। गगन तो चलिए गाइस यहाँ की सुंदरता आपको आज दिखाते हैं मंदिर की, और साथ में माता रानी के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, देख ही रहे होंगे आप। और यहाँ से व्यू देखिए यहाँ का कितना शानदार है, ऊपर से घंटियाँ लगी हुई है और ये गेट है। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, काफ़ी मशक्कत के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद टैक्सी से सफ़र किया, उसके बाद सीधे पैदल आए हैं। और यहाँ पे देखिए मंदिर का सुंदर दृश्य। जय माता दी। तो यहाँ पे यह है कालिका माँ का मंदिर। अब शॉल और रुमाल तो हमारे पास है नहीं, और ये है अभी किवाड़ बंद हो रखे कालिका माता के। जय माँ काली। तो गाइज अभी यहाँ पे हम ग्राउंड में पहुंच चुके हैं जहाँ पे कि मेला लगता है, अभी 27 दिसंबर को यहाँ पे मेला लगेगा। और ये है मंदिर, चलो माता रानी के दर्शन आपको भी करवाते हैं, साथ में आपको पीछे का भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए ये है राधा कृष्ण का, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण का मंदिर, जय। चलिए आगे चलते हैं और ये देखते हैं कौन से भगवान जी का मंदिर है। मेरे साथ में जो आया है उसने ताला लगा रखा है अपने मुंह पे कि उससे कुछ बोलना नहीं है। ये देखिए ये कोई प्राकृतिक, मुझे लग रहा है शिव मंदिर होगा ना, या भैरव मंदिर, ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, बट जिस हिसाब से है वो भैरव मंदिर ही लग रहा है मेरे को। तो यहाँ आके मतलब कैसा लग रहा है पंकज, कुछ अपने विचार बोलिए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तूने सोचा था कि मतलब भाई आएगा और मुझे कालिंका ले जाएगा, ऐसा कुछ है ना, अनप्लान बन गया, माता रानी ने बोला कि भाई आ जाओ। और एक बार यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ शानदार मंदिर का। अभी यहाँ पे पेंटिंग का काम हो रहा है क्योंकि 27 दिसंबर को यहाँ पे मेला लगना है इस पूरे इलाके का। ये देखिए तो गाइज मतलब हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोगों को भी आना है तो यहाँ पे पर्यटक स्थल बन ही चुका है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। अगर आपको रामनगर की साइड से आना है
तो सराय खेत वाली रोड है, और सराय खेत में आना है, वहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे आना है, वहाँ पे आप पार्किंग वगैरह कर सकते हो अपनी गाड़ी की, और वहाँ से चढ़ाई जो है वो आधा घंटा आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, आधा घंटे की चढ़ाई है, वहाँ से आ सकते हो और यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर सकते हो। और साथ में बहुत ही अच्छा आसपास का जो सौंदर्यकरण है ना, मतलब प्राकृतिक सौंदर्यकरण, वो उसके आप आनंद ले सकते हो। तो आप एक बार जरूर आए यहाँ पे। तो गाइस एक बार मैं आपको यहाँ से कालिंका मंदिर से यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ, तो होप आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, और यहाँ से हिमालय पर्वत भी ऐसे लग रहा है, बिल्कुल सामने ही दिख रहा है। और आज यहाँ पे थोड़ा हम लेट आए तो इस वजह से भीड़ कम है, नहीं तो जैसे हमने पूछा था तो यहाँ पे लोग कह रहे थे कि कम से कम हर रोज 400-500 लोग आते हैं, तो आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम यहाँ पे आए हैं। ये है यहाँ का ग्राउंड, मुझे लग रहा है यहाँ पे भजन कीर्तन होते होंगे, क्योंकि हमें आना था वैसे कालिंका, मतलब मैंने हर बार सोचता हूँ कि जतोड़े में आए हैं यहाँ पे जो मेला लगता है, बट हो नहीं पाया, तो इस बार भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी गांव आए हैं तो अगले हफ्ते आ नहीं सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे कीर्तन भजन होता है पूरे ग्राउंड में, यहाँ पे कम से कम 1 लाख के आसपास लोग आते हैं जब यहाँ पे भंडारा होता है। ये पंकज भाई अभी फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ की। तो चलिए गाइज अभी नीचे चलते हैं वहाँ के, मुझे लग रहा है वैसे किवाड़ बंद हो रखे हैं, तो फिर भी देखते हैं अगर किवाड़ खुले होंगे तो चलते हैं नीचे। तो ये है गाइज मेन मंदिर जो माता रानी का मंदिर है, और अभी यहाँ पे किवाड़ बंद हो रखे हैं। जय माता दी, आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं माता रानी के। जय माता दी। तो गाइज अभी हम चल रहे हैं, आपको दर्शन करवा रहे हैं यहाँ पे जो कालिंका न्याजा स्थली, जिसका निर्माण की 2006 में हुआ था नव निर्माण। तो ये है माता रानी की जो न्याजा, न्याजा मतलब डोली होती है, ये वो है, ये देखिए। तो गाइज आप लोग भी अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं माँ कालिंका से कि वो आपको घर को सुख शांति रखे। जय माता दी। ये है घनयाल देवता का मंदिर, जय हो घनयाल देवता की। और ये है उफराई मंदिर, जय इष्ट देवी है उफराई यहाँ की, उनका मंदिर है, जय माँ उफराई। तो गाइज एक बार एंड में मैं आपको यहाँ से पूरा नीचे गेट से लेके और ऊपर माता के मंदिर तक के दर्शन करवाता हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पे आके। ये देखिए, जय माता दी। तो चले भाई पंकज, अभी हमें बारात में जाना है, पता चले कि बारात ही चली गई, पांच मिनट में चल फिर। इसको अभी आध्यात्मिक आदमी है तो इसको थोड़ा ध्यान करना है, तो ये ध्यान करता है, हम तब तक आसपास का भ्रमण करता है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ, हम वो जो पास वाले आपको गांव दिख रहे हैं वहीं से आए हैं, वहाँ बारात आ रखी है, तो वहाँ से बारात से सीधे हम इधर आए हैं। गाइस अभी हमने माता रानी के दर्शन भी कर दिए और अभी हम जा रहे हैं घर को, घर नहीं पहले सीधे जाएंगे यहाँ से बारात में, और बारात से फिर 4-4:30 बजे के आसपास जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे तक ये होती है घंटियाँ, जो कि लोगों ने मन्नत मांगी होती है, तो यहाँ पे आपकी जो भी मन्नत है तो लोग कहते हैं कि आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है, तो एक बार आप भी ज़रूर आएँ और माता रानी के दर्शन करें। भाई फाइनली हमारा ये वाला काम भी हो गया है, जो कि मैं भी बहुत सालों से सोच रहा था और शायद पंकज भी सोच रहा था, तो 2 सोचे आज 1 होगी, तो हो ही गया है ना। बिल्कुल, तभी होता है जब आदमी की सोच मिल जाए तो भाई दर्शन भी भगवान दे ही देते हैं, तो भगवान का माता रानी का दर्शन अच्छे से हो गया, और आप सब पे भी और हमारे पे भी माता रानी की कृपा होगी। तो जय माता दी। तो गाइज अभी आपको वो जो नीचे मार्केट दिख रहा होगा, रोड दिख रही होगी, वहीं पे हमारी टैक्सी खड़ी है और वहीं से हम पैदल आते हुए
और ये चढ़ाई चढ़ के, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वगैरह जाती नहीं है, और वो ऊपर लास्ट में आपको दिख रहा होगा वही है कालिंका का मंदिर। तो चलिए गाइस, होप आपको आज का ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है कि मेरी, और बेल आइकन दबा देना क्योंकि मेरा जो भी ब्लॉग आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो अभी हम जा रहे हैं शादी में वापस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।